हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप लोगों के लिए ग्लिच का आखिरी भाग लेकर आई हूँ। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं सातवें भाग के एक्सप्लेनेशन की ओर। सातवें भाग की शुरुआत में फिल और तय एक साथ बैठे हुए थे। फिल से बात करके तय को पता चलता है कि फिल और वो दोनों एक ही शहर के रहने वाले हैं। तय बताता है कि चाइना के लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि काफी सालों से चाइना में आने वाली विपदा की वजह से चाइना के लोग मरते जा रहे हैं और उसी विपदा के चलते मैं भी मारा गया था और मैं उन लोगों को मारना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे और मेरे साथियों को मारा था। अब रात के समय सभी लोग अपने सामने आग चला कर एक साथ बैठे हुए थे। इस दौरान जेम्स कहता है, हम में से किसी को भी फिल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिल एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी ही पत्नी को एक समय जान से मार दिया था। लेकिन अब भी फिल सभी से कहता है कि अब वो पूरी तरह से बदल चुका है और वो यहाँ पर सबकी सुरक्षा के लिए आया है। साथ ही जेम्स सभी को अपने साथ लेक हाउस में चलने के लिए कहते हैं और फिल को इन सभी से दूर रखने के लिए जेम्स फिल को उसके घर पर छोड़ने वाले थे। बेल और ताई लेक हाउस जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों जेम्स को नहीं पहचानते थे और वो दोनों सिर्फ क्रिस पर भरोसा करते थे, इसलिए वो क्रिस के साथ रहना चाहते थे। अब विलियम सभी को अपने साथ लेक हाउस ले जाने लगता है। वहीं जेम्स फिल को लेकर उसके घर की ओर निकलता है। साथ ही वो फिल को मरे हुए जीवित लोगों से दूर रहने के लिए कहता है और फिर वो योराना शहर के लिए निकल पड़ता है। इस बीच जेम्स एक जगह उतर कर कुछ मेडिसिन की बैग को अपने पास रख लेता है। ये वही बैग सब मेडिसिन है जिसे केट अपने कैंसर के दौरान इस्तेमाल किया करती थी। अगली सुबह बेल क्रिस से बात करके उससे कहती है कि क्या तुम मेरे माता पिता से मेरे बारे में बात करोगे, जिससे कि उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता होने के बाद भी मैं उन्हीं के साथ रह सकूं। ये सुनते ही क्रिस उसे कुछ पिक्चर्स दिखाता है, जिसे देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि बेल का परिवार काफी टॉर्चरिंग परिवार है और वो अपने नियमों के लिए कुछ भी कर सकता है और इसी वजह से काफी बार पुलिस ने उन लोगों को वार्निंग भी दी थी। ठीक तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है। बाहर जाकर चेक करने पर क्रिस देखता है उसका भाई पीट मरा हुआ नीचे पड़ा है। पीट ऊपरी फ्लोर से नीचे गिरकर मारा गया, लेकिन एकदम से वो उठ जाता है, जैसा कि पिछले एपिसोड में जेम्स उठ गया था। दूसरी तरफ विलियम दुनिया के बारे में सोचने लगता है। वो देखता है पूरी दुनिया में आग लगी हुई है और पूरी दुनिया तबाह हुई जा रही है। ये देखने के बाद विलियम यही सोचता है, जितनी देरी वो लोग आज करेंगे उतनी ही परेशानी उन्हें आने वाले समय में भुगतनी पड़ेगी। इधर क्रिस्टी अपने आप को एक कमरे में बंद कर देती है। सभी के सामने वो यही दिखा रही थी जैसे कि वो बीमार है। अब यहाँ से क्रिस्टी सच धज कर खिड़की से कूद कर डायरेक्टर सैम से मिलने के लिए जाती है। सैम दोबारा से उसे वही ऑफर देते हैं और इस ऑफर के लिए क्रिस्टी को स्वीडन जाना पड़ेगा। साथ ही फेक आइडेंटिटीज के सहारे क्रिस्टी स्वीडन में जॉब करते करते नॉरगार्ड के रिसर्च का हिस्सा बनेगी। क्रिस्टी डील में और ज्यादा सुख सुविधा चाहती थी, लेकिन इसके बदले सैम क्रिस्टी को दो नए लोग यानी कि बेल और ताई को जैसे तैसे इस रिसर्च का हिस्सा बनाने के लिए कहता है। क्रिस्टी इस डील के लिए मान जाती है और इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। अब सैम पॉल से मिलकर उसे अपनी डील के बारे में बताता है। साथ ही वो कहता है, अगर बेल और ताई इस रिसर्च में आने के लिए मना कर दे, फिर तुम्हें उन दोनों को जबरदस्ती यहाँ उठाकर लाना होगा। दूसरी तरफ पीट मर कर जीवित होने के बाद एक नया आदमी बन गया था और वो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। अब वो गुमसुपी नहीं रहता है और उसे अब व्हील चेयर का सहारा भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि उसका पैरालाइज्ड शरीर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। इतने दिनों के बाद अपने भाई को इस हालत में देख क्रिस बेहद ज्यादा खुश था। अपने बड़े भाई के साथ खेलने के लिए क्रिस उसे पार्क में ले जाता है और वो दोनों खुले आसमान के नीचे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इस बीच पीट को पता चलता है कि पिछले 20 सालों से क्रिस पीट का ध्यान रख रहा है। ये सुनकर पीट कहता है, तुमने अपने जिंदगी के 20 साल मेरी देखभाल करके बेवकूफी की है, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए था। अब क्रिस उससे क्रिस्टी और उसके साथ की गई हरकतों के बारे में पूछता है। ये सुनकर पीट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है, क्रिस्टी के साथ वही हुआ जो वो खुद डिजर्व करती थी। पीट ने ये बात जिस तरह से कही वो काफी अजीब थी और ये सुनकर क्रिस को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। क्रिस बेहद ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो पीट से कहता है, जो तुमने किया वो बहुत बुरा था, साथ ही तुम्हारी वजह से मैंने क्रिस्टी के बॉयफ्रेंड को सजा दिलवाई थी, हालांकि वो बेगुनाह था।
वही पीट कहता है, मैंने जो किया था वो सही था और अब मैं क्रिस्टी को जान से मार दूंगा। क्रिस अपने भाई पीट की नियत से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए वो उसे खाई में धक्का देकर नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ व्यू फिल को जेम्स के बारे में बताता है कि किस तरह से फिल के बारे में जेम्स उससे पूछताछ कर रहा था और जेम्स फिल के बारे में पूछताछ के दौरान काफी अजीब तरह से बातें कर रहा था। ठीक तभी फिल रियलाइज करता है वो अपने ग्रुप को जेम्स से बचाना चाहता है क्योंकि जेम्स सभी को जान से मार देगा। अब ब्यो को परिवार का ध्यान रखने के लिए कहकर फिल लेक हाउस की ओर निकल जाता है। अगली सुबह क्रिस्टी क्रिस के घर जाकर सैम के डील के बारे में तय और बेल को बताकर समझाने की कोशिश करती है। ठीक तभी वहाँ क्रिस पहुँचता है और वो क्रिस्टी को पीट के मौत के बारे में बताता है, जिसके बाद क्रिस्टी बेहद ज्यादा खुश हो जाती है। खुशी के मारे सभी को सैम के ऑफर के बारे में समझाने के लिए क्रिस्टी लेक हाउस पहुंचती है। इधर लेक हाउस में केट जेम्स से बात करके अपने रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करने की बात रखती है। उसके मुताबिक अब उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, इसलिए उन्हें अब फाइनली एक हो जाना चाहिए। जेम्स पहले तो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था, लेकिन काफी समझाने के बाद वो मान जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब चले आते हैं। इस बीच विलियम सभी के लिए कुक करने लगता है और वो सभी के खाने में केट की दवाइयां मिला देता है, जिससे कि सभी होश में ना रहे और जेम्स विलियम के साथ मिलकर सभी को मारने में सफल हो जाए। अब खाना कुक करने के बाद विलियम सभी को खाना सर्व करता है। ठीक तभी लेक हाउस में फिल पहुंचता है। जेम्स की सच्चाई के बारे में बताने के लिए फिल विलियम को कमरे के साइड में ले जाता है। हालांकि उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि विलियम जेम्स का साथी है। फिल विलियम को जेम्स के प्लानिंग के बारे में बताता है, वही विलियम फिल का साथी होने का दिखावा करता है। पहले तो वो दोनों मिलकर जेम्स को उसकी मंशा के बारे में पूछते हैं। जेम्स जैसे ही अपने इंटेंशंस के बारे में बताता है, विलियम उस पर अटैक कर देता है और उसकी छुरी भी उसके हाथ से छीन लेता है। इधर केट किचन में अपने मेडिसिंस देखकर हैरान रह जाती है और वो समझ जाती है विलियम ने अपने बनाए हुए खाने में ये सारी मेडिसिंस मिलाई है, इसलिए वो सभी को विलियम का खाना खाने से मना करती है। इधर जेम्स अपनी शक्तियों की मदद से फिल को समझाने लगता है, जिसके बाद फिल की आंखों का रंग बदलने लगता है और वो समझ पाता है कि मरे हुए जीवित लोगों का इस दुनिया में रहना ठीक नहीं होगा। लेकिन इस बीच विलियम गुस्से में फिल के पेट में छुरी घुसा कर उसे मार देता है। अब जैसे ही जेम्स फिल के शरीर से छुरी निकाल रहा था, ठीक तभी जेम्स को फिल के साथ केट देख लेती है और वो समझ पाती है कि विलियम अकेले उन सभी को नहीं मारना चाहता है, बल्कि इस प्लान में जेम्स भी शामिल है। केट फौरन वहां से भागकर सभी को इस बारे में बताने लगती है। सभी लेक हाउस से भागना चाहते थे, लेकिन तभी कमरे में विलियम चला आता है और उससे बचने के लिए केट उस पर गोली चला देती है। अब केट, क्रिस्टी और चार्ली फौरन क्रिस के घर जाते हैं। इनमें से सभी बेहद परेशान थे क्योंकि ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लोग करें तो क्या करें। केट सभी को यहाँ से दूर कहीं रहने के लिए कहती है, वहीं चार्ली उसकी बात से सहमत था। तय और बेल घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उसके लिए यही सबसे ज्यादा सुरक्षित है। वहीं क्रिस्टी कहती है कि हमें सैम के डील में उसका साथ देना चाहिए, तब जाकर हम सभी सुरक्षित रह पाएंगे और हमें भागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर क्रिस्टी वहां से चली जाती है। ठीक तभी क्रिस के घर पर जेम्स पहुंचता है। सभी उस पर बंदूक ताने खड़े थे। जेम्स सभी को समझाता है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी अगर मरे हुए जीवित लोग जिंदा रहे तो, लेकिन बाकी सभी कहते हैं हम खुद से यहाँ नहीं आए थे, हमारी मृत्यु के बाद हमें जीवित किया गया था, इसलिए हम हमारी जिंदगी ऐसे ही जीने वाले हैं। अब क्रिस और किट जेम्स को पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चार्ली रेफ को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। इस बीच क्रिस बाकी पुलिस ऑफिसर्स को विलियम के बारे में बताता है। केट भागते वक्त विलियम को शूट करके वहां से निकली थी और वो अब भी लेक हाउस में ही पड़ा हुआ है। इधर जैसे ही विलियम की आंखें खुलती है, वो खुद को पुलिस वैन में पाता है। कुछ देर बाद वो दोबारा से कुछ विजन्स देखने लगता है जिसमें पूरी धरती जलकर राख हो रही थी। अपने मिशन को याद करके विलियम पुलिस स्टेशन से जैसे तैसे भाग जाता है। उधर क्रिस के घर पर बेल और तय न्यूज देख रहे थे। उन्हें पता चलता है शहर के एक हिस्से में बहुत बुरी तरह से आग लग गई है। हालांकि सोचने वाली बात ये थी, आग कैसे लगी इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं था और कोई अब तक ये सुलझा तक नहीं सका। तय और बेल ये देख समझ जाते हैं कि जेम्स ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में उस वक्त बात कर रहा था
और वो सभी को यही बताना चाहता था। बेल फैसला लेती है इन सारी मुसीबतों से अपने परिवार को बचाने के लिए वो उन्हें इस बारे में पहले से ही आगाह कर देगी। तय और बेल फौरन बेल के घर के लिए निकलते हैं और बेल अपनी माँ को इन चीजों के बारे में बताती है। बेल की माँ उसकी एक नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि वो मर चुकी थी। बेल की बहन भी उससे बात नहीं करना चाहती थी और वो उससे दूरी बना कर रखती है। अब बेल को अपने मौत के दौरान की बातें याद आने लगती है और वो अपनी बहन को बताती है कि जब मैं मंदिर से नीचे गिरी थी तब मेरी मौत नहीं हुई थी बल्कि मैं कोमा में थी। उस समय मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी लेकिन हमारे परिवार वालों ने मुझे चर्च में ले जाकर कुछ रिचुअल्स किए थे और उनकी लापरवाही और रिचुअल्स की वजह से मेरी मौत हो गई थी। अब बेल की बहन अपने माँ बाप के बुरे बर्ताव की वजह से अपने परिवार को छोड़कर बेल के साथ रहने के लिए निकल पड़ती है। अब रास्ते में तय को भी उसकी मौत के दौरान की बातें याद आने लगती है। उसे योराना के मेयर ने मार दिया था जो कि वो अपने कैंप के साथियों की मदद करना चाहता था। तय को हमेशा से ही इस बात का बुरा लगता है क्योंकि वो अपने साथियों की मदद नहीं कर पाया और ना तो वो उनकी आत्मा को शांति दे सका। तय इसलिए कब्रिस्तान में जाना चाहता था। बेल फिलहाल के लिए उसे रोकती है लेकिन बेल की बहन उन दोनों को कब्रिस्तान की ओर जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ क्रिस्टी नॉर्गार्ड हेडक्वार्टर्स में पहुंचती है और वो नोटिस करती है पॉल अपने साथियों के साथ वहां से जा रहा है। इस डील के लिए सैम क्रिस्टी से वादा करता है कि वो यहां आराम से रह सकती है। साथ ही आज उसे एक्सपेरिमेंट के लिए स्वीडन ले जाया जाएगा। लेकिन हेडक्वार्टर्स में जब वो रहने लगी तब वो नोटिस करती है जैसा उसे बताया गया था वो अपनी मर्जी की मालकिन है यहाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि क्रिस्टी को हर समय लॉक करके रखा जा रहा था और उसकी बातें सुनने वाला भी कोई नहीं था। अब क्रिस क्रिस्टी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर केट विदेश जाने की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ चार्ली की मुलाकात रॉफ से होती है और वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के बेहद करीब चले आते हैं। अब यहाँ से ये दोनों केट से मिलते हैं और चार्ली बताता है कि वो रॉफ के साथ मेलबॉर्न जाना चाहता है। ठीक तभी वहाँ नॉर्गार्ड हेडक्वार्टर्स के आदमी चले आते हैं और वो सभी को अपने कंट्रोल में करके हेडक्वार्टर्स में ले जाने की कोशिश करते हैं। इस हाथापाई में रॉफ की मौत हो जाती है और बाकी सभी बेहोश हो जाते हैं लेकिन रॉफ दोबारा से जिंदा हो जाता है। इधर सैम और क्रिस्टी एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। ठीक तभी क्रिस्टी चालाकी दिखाकर सैम के ऊपर उल्टी करके गाड़ी से भाग जाती है और वो सीधा जाकर क्रिस से मिलती है। नॉर्गार्ड हेडक्वार्टर्स के आदमी उन्हें भी पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेल और तय भी पकड़े जाते हैं। वो दोनों कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे लेकिन रास्ते में पॉल उनकी मदद के बहाने उन्हें गाड़ी में उठा लेता है। अब पॉल को ऑर्डर्स मिलता है सभी को कब्रिस्तान में ले जाने के लिए। इधर विलियम ठीक होकर जेम्स को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो दोनों वहां से लेक हाउस की ओर जाते हैं और नॉर्गार्ड हेडक्वार्टर्स के लोगों को पकड़कर वैन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इस बीच विलियम बताता है उसने अपने विजन में कब्रिस्तान को देखा था इसलिए जेम्स भी सभी को कब्रिस्तान लेकर जाता है। धीरे धीरे जंगलों में आग धीरे धीरे योराना शहर तक आग पहुंच गई थी। इस अफरा तफरी में सभी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जेम्स के पास बैकअप में कोई भी नहीं था इसलिए वो नॉर्गार्ड के लोगों के बीच फंस गया था। इस बीच पॉल जेम्स पर गन पॉइंट रख कर बेल को पकड़ लेता है लेकिन खुद को बचाने के लिए पॉल बेल को छोड़कर वहां से भाग जाता है। वहीं तय और बेल बाकी तय के साथियों को मौत के बाद आजाद करने के लिए उनके कब्र की ओर जाने लगते हैं। तय कुछ रिचुअल्स की मदद से सभी चाइनीज लोगों को मुक्त करना चाहता था। ये नजारा दिखाकर जेम्स और विलियम मरे हुए जीवित लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से धरती बर्बाद हो रही है लेकिन बाकी सभी का कहना था कि अपने नई जिंदगी को वो सभी अच्छे से जीना चाहते हैं जैसा उन्होंने पिछली बार नहीं किया था। वहीं जेम्स कहता है सबको जो चाहिए था वो सभी चीजें सभी को दूसरे जीवन में मिल गई है। फिल को उसका परिवार मिल गया, केट को उसका पति और पति का साथ मिल गया। क्रिस्टी अपने कातिल को मारना चाहती थी, वही काम क्रिस ने कर दिया यानी कि पीट को जान से मारकर। क्रिस्टी का बॉयफ्रेंड अब आजाद था। साथ ही चार्ली को उसका जीवन साथी रॉफ मिल गया। बेल को उसके परिवार के सच्चाई के बारे में पता चल गया और अब वो अपने परिवार के मोह को छोड़ चुकी है। वही तय ने अपने रिचुअल्स पूरे करके अपने चाइनीज साथियों को आजाद कर दिया है। ठीक तभी रॉफ कहता है जेम्स सही कह रहा है और कुछ समय पहले मेरी मौत हो गई थी और अब मैं जिंदा हो गया हूँ। जेम्स की बातों से सभी सही रूप में प्रभावित होकर धरती छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी अब एक एक करके कब्रिस्तान के आग की ओर बढ़ने लगते हैं
और विलियम के विसल बजाते ही सभी मरे हुए जीवित लोग गायब हो जाते हैं। क्रिस अपने दोस्तों को खोता देख रोने लगता है, लेकिन उन सभी के जाने के बाद जोरों की बारिश होती है जिस वजह से आग बुझ जाती है और दुनिया भर की विपदा टल जाती है। अब धीरे धीरे दुनिया पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। अब कुछ सालों के बाद क्रिस निया नामक लड़की के साथ कब्रिस्तान में आया हुआ था। निया क्रिस से अपने माता पिता के बारे में पूछती है। क्रिस कहता है ये एक लंबी कहानी है और वो जल्द उसे इस बारे में बता देगा, और इसी के साथ ग्लिच सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आखिर में विलियम ने इसलिए विसल बजाया था क्योंकि इस विसल की धुन से मरे हुए जीवित लोगों को उनकी असली दुनिया की धुन सुनाई देगी और वो खुद ब खुद वहाँ चले जाएंगे, जैसा कि सीरीज में भी दिखाया गया है। साथ ही अलीशा ऐसी पहली शख्स है जो मरकर वापस आने के बाद दुनिया को विपदा से बचाने का काम कर रही थी। जैसा कि हम कह सकते हैं, अलीशा एक दूत थी और बाकी सभी मरे हुए जीवित लोग दुनिया में फिर से जी कर सब कुछ आबाद करना चाहते थे। हालांकि उन्हीं की वजह से पूरी दुनिया भर में गड़बड़ी छाई हुई थी, लेकिन जो विलियम्स और जेम्स की तरह पोजेस्ट जैसा बर्ताव कर रहे थे वो एंजल रूपी इंसान हैं, जिन्हें पोजेस्ट इसलिए किया गया था जिससे कि वो मरे हुए जीवित लोगों को दुनिया से बाहर उनकी असली जगह पर भेज दे। देखा जाए तो ये बाइबल के माइथोलॉजिकल कहानी और साइंस का मिश्रण है, लेकिन इस सीरीज का आधार माइथोलॉजी से किया गया है, जिस वजह से इंसानों को जीवन दान अलीशा के लिए देना इतना आसान हो गया। तो यही थी ग्लिच सीरीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपने इसकी आगे की एपिसोड्स नहीं देखी है तो जाइए जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।